हाई एवरी वन दिस इज वानिका आज का टॉपिक है बटरफ्लाई स्पीश पे चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर जिसको एक जगह सिक्किम में डिस्कवर किया गया है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या दो वी कैन मेक डिफरेंस फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी डी एफ आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही मिलेगा अब देखिए पर uh, रिसेंटली मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए बटरफ्लाई तो बहुत न्यूज़ में रह रही है कोई नई स्पीशीज़ डिस्कवर होती है या फिर रिसेंटली हमने देखा एक वीडियो हमने महाराष्ट्र का बनाया जहाँ पे अराउंड फोर्टी फोर्टी फ़ाइव स्पीशीज़ नई मिली हैं बटरफ्लाई की हमने केरला पे एक वीडियो बनाया जहाँ पे वन फिफ्टी सिक्स स्पीशीज़ नॉट फिफ्टीन सिक्सटी सिक्स वन फिफ्टी सिक्स स्पीशीज़ बटरफ्लाई की ए, एक एरिया में नई मिली हैं यानी वहाँ की स्पीशीज़ में इजाफा हुआ है तो इस तरह से बटरफ्लाई न्यूज़ में रहती है अदरवाइज बटरफ्लाई के इको सिस्टम में क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बहुत बार, बार बता चुकी हूँ बहुत लेक्चर्स में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेंगे अब देखिए सोनम वांगचुक लेपचा जो एक रिसर्चर हैं और उनकी हॉबी है बटरफ्लाइज को ऑब्जर्व करना बहुत से लोगों की हॉबीज होती है अलग अलग एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं देखिए अब स्नेक की स्पीशीज़ एक इंस्टाग्राम पे डिस्कवर हुई इंस्टाग्राम पे डिस्कवर होने का मतलब ही कोई रिसर्चर था जो अपने बाक आज से फोटोज क्लिक करके एनिमल्स की इंसेक्ट्स की स्नैक्स की जो पिक्चर्स था वो इंस्टाग्राम पे डालता तो वहाँ पे किसी हर्पेटोलॉजिस्ट ने देखी और पता चला कि एक नई स्पीशीज़ है स्पीश कुकरी स्पीशीज में कुकर स्पीशीज़ नहीं है जो उसको पहले माना जा रहा था एक नई स्पीशीज़ है तो इसी तरीके से ये जो सोनम वांगचुक हैं ये बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रहे थे रिसेंटली इनको एक नई बटरफ्लाई स्पीशी मिली जिसका नाम रखा गया चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर क्योंकि इसके बॉर्डर पे आप देख देखते चॉकलेट बॉर्डर कलर इसका चॉकलेट इस, उस पर इसका ये कॉमन नेम जो है वो रखा गया और कहाँ पे हुआ है किस्सा सिक्किम में आप यहाँ पे प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ देख सकते हैं फोटोग्राफर एक्सीडेंटली डिस्कवर्स न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई अब ये बटरफ्लाइज का फोटो जो सोनम है 2016 से ही क्लिक कर रहे हैं और फिर ये अपने फोटोज को एन में भेजते हैं एन है आपका नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर में है बेंगलुरु में है कि आप इन इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से इंसेक्ट्स हैं और फिर उसके बाद ये पिक्चर्स जैसे जो बटरफ्लाइज की रहती हैं वो बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया वेबसाइट पर अपलोड होती हैं 2020 में उन्होंने एक फ़ोटो भेजा येलो कलर का बटरफ्लाई थी येलो कलर की बटरफ्लाई थी जिसके ब्राउन कलर के बॉर्डर्स थे और बाद में पता चला कि इस तरह की स्पीशीज़ तो आज तक ढूंढी ही नहीं गई इसका तो कोई नाम ही नहीं है ये नई स्पीशीज़ है फिर इस पर पता चला कि एक नई स्पीशीज है जितनी भी ऑब्जर्वेशन उसके बारे में सबमिट की गई वेबसाइट पर रिव्यू की गई एक्सपर्ट पैनल ने रिव्यू किया और फिर इसको काउंट किया गया लेपिडोटेरा और बटरफ्लाइज का जो ऑर्डर है और फिर इसका नाम डिसाइड किया गया अब सोनम इस इमेज को जब रिव्यू सोनम ने जो इमेज भेजी थी उसको रिव्यू कर रहे थे तो यहाँ पे डॉक्टर कुन्ते हैं वो बोलते हैं कि हमको देखते ही पता चल गया कि ये स्पीशीज नई है इससे पहले हमने नहीं देखी चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर क्या है ये नई स्पीशीज है बटरफ्लाई की और ये इसका नाम है बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं तब से और साइंटिफिक नेम इसका क्या है जोग्राफिटस जोंगवेंस जिस जगह के पीछे इसका नाम रखा गया है और इस प्लेस में जहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था उस पे इसका साइंटिफिक नाम रखा गया है तो आप देख सकते हैं कि आ, सिक्किम इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आता है और जहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है अब जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं जोग्राफीटस पंगी इसके ये जो बटरफ्लाई ढूंढी गई है इसके क्लोज रिलेटिवस कौन से हैं जोग्राफिटिस पंगी है जो गुआंगडोंग में ज़्यादा पाई जाती है जोग्राफिटिस है जो हैनान में पाई जाती है साउथ ईस्टर्न चाइना में दोनों पाई जाती हैं जो कि होंगकोंग के पास हैं तो क्योंकि कोई ना कोई जो भी एनिमल है उनके कोई ना कोई क्लोज रिलेटिवस रहते हैं फिजिकल अपियरेंस दोनों की अलग है स्लाइटली देखने में आपको लगेगा दोनों सेम है बट बर... थोड़ा सा हल्के से डिफर करते हैं एक दूसरे से इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो मेल्स के हैं उनमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस दोनों बटरफ्लाईज में पाया गया अब मिस्टर वोंगचुंग लेपचा जो है जो ऑथर हैं पेपर के वो बताते हैं कि फिफ्थ मे 2016 को जब वो नामप्रिक डांग जा रहे थे तो उनको वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ बटरफ्लाइज़ की मिली और उन्होंने उनको काउंट करने की कोशिश की और इवनिंग में उन्होंने अराउंड 50 डिफरेंट स्पीशीज़ को काउंट किया उस रीजन में ये 2016 की बात है कि कितनी डाइवर्सिटी है जब उन्होंने बटरफ्लाइज़ को काउंट करना नहीं शुरू किया देखने लगे कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाइज़ पाई जाती हैं तो फिफ्टीन डिफरेंट बटरफ्लाइज उनको मिली उस रीजन में और तब से उन्होंने बहुत सारे बटरफ्लाइज अराउंड थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी बटरफ्लाइज के फ़ोटोज़ जो हैं वो खींचे हैं और यहाँ पे हिस्टोरिकल इंटरेस्ट भी वो अपना बताते हैं ब्लैक जिसका मतलब है लैंड ऑफ बटरफ्लाइज जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं इसको लैंड ऑफ बटरफ्लाइज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज पाई जाती हैं तो देखिए बटरफ्लाई किसी रीजन में पाए जाने का मतलब है कि वहाँ का इन्वायरमेंट वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो बहुत हेल्दी है क्योंकि बटरफ्लाई आपको बहुत सारा सिग्निफिकेंस है बटरफ्लाई का पॉलीनेशन में हेल्प करती है जितने आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं काफ़ी सारे प्लांट्स हैं फ्लावर्स के साथ इसका जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये नेक्टर पे फीड करती है और इनफैक्ट और उनको पॉलीनेट करवाती है तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो काइंड ऑफ इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंस ऑन ईच अदर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी बटरफ्लाई है वहाँ का प्रे प्रटेड रिलेशनशिप उस इको सिस्टम का बैलेंसड है इसका मतलब क्योंकि बहुत सारे बड़े एनिमल्स जो हैं बर्ड्स जो हैं वो इस तरह के स्मॉल इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं जो तो अपनी पॉपुलेशन भी मेनटेन रखती है और दूसरों का खाना भी बन रही है प्रे भी बन रही है उनके लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रे बनना कोई मजाक की बात नहीं है दिस uh, इज फूड चेन में ऐसा है ही है कि एक एनिमल दूसरे को खाता है वो किसी और को खाता है सो दिस इज द चेन तो जहाँ पे ये चेन प्रॉपरली बैलेंस्ड है वो इकोसिस्टम हेल्दी है अब रिसेंटली बहुत सारी बटरफ्लाइज आपकी मिली है तो एक बार क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं नाका डूबा सिन्हाला राम स्वामी सदा इस डिस्कवरी ये डिस्कवरी हुई आपकी वेस्टर्न घाट्स में अराउंड दस साल हो गए और अब इसका थ्रेटेंड टैक्सा में यानी आई यू सीन में रेड लिस्टेड है ये बटरफ्लाई उसके बाद द न्यू ट लाए लाइका नेट बटरफ्लाईज जो कि नाका डूबा जीनस से बिलोंग करती है उनको पहले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की टीम ने देखा इस पे आपको छोटी छोटी ब्लू कलर की लाइंस नजर आएंगी इंडिया श्रीलंका एशिया ऑस्ट्रेलिया समोआ होल ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया समोआ में ये पाई जाती है पहली बार इसको इंडियन रिसर्च टीम ने वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर किया पहला डेड स्पेसिमेन केसरे हिंद केसरे हिंद अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था बताइए किस जगह के स्टेट बटरफ्लाई है इसको भी सिक्किम में रिकॉर्ड किया गया इसको लाइव कैमरा में भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने देखा अरुणाचल प्रदेश की टाले वैली और वाइल्ड लाइफ टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी टू में उसके बाद स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक जो है विजयनगर विलेज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश देखिए नॉर्थ ईस्टर्न वाली तरफ बहुत बटरफ्लाइज हैं अदरवाइज़ यहाँ पे वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र हो गया केरला वाले रीजन वाला जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे भी बहुत बटरफ्लाइज की स्पीशीज पाई जाती हैं ओके okay, तो ये स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक है साइंटिफिक नेम देखिए इसका यमामो जिफायरस क्वांगटू जेनेसिस ये पहली बार रिकॉर्ड की गई है नाइन प्रोविंस ऑफ चाइना में नॉर्थ अमेरिका रॉकी माउंटेंस में भी पाई जाती है उसके बाद एल्यूसिफ प्रिंस करके है ये माओ मायो सब डिविजन में आ, है जो कि नाम डाफा नेशनल पार्क के पास है इंडिया में इसका मेल स्पेसिफिन आपको एल्यूसिव प्रिंस का मिला था साइंटिफिक नेम है रोहाना टोंकिनियाना साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज फ़नी एंड डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस और पहले इसको ब्लैक प्रिंस का वेरिएंट माना गया था लेकिन बाद में पता चला कि इट इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज़ तो इस तरह से बटरफ्लाइज पे हमने रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहाँ जहाँ पे डिस्कवर हुई हैं स्पीशीज़ इंक्रीज हुई है या कहीं पे स्टेट बटरफ्लाइज भी घोषित की गई हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए क्योंकि देखिए बटरफ्लाई भी यहाँ पे आप देखिए रेड लिस्टेड है प्रोटेक्शन उसको काफ़ी चाहे आई में या फिर हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के तहत काफ़ी सारी स्पीशीज़ को मिली है क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडावर्सिटी से फ्रॉग माउथ कॉपसमिथ बाबेट ग्रे चिंड मिनीवेट वेट वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट ये बर्ड्स हैं प्राइमेट्स हैं रेप्टाइल्स हैं एम्फिबिन्स हैं तो आप मुझे बताइए क्योंकि देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा अगर बटरफ्लाई का भी आएगा तो कुछ कुछ नाम दे दिए होंगे और फिर बोलेंगे कि बताइए कि ये कौन से क्या हैं क्या इंसेक्ट्स हैं ये तो आप इसका आंसर बताइए और या टेलीग्राम में आपको पता चल ही जाएगा पोल में पार्टिसिपेट करने के बाद बाकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए ई एम आई पर भी कोर्सेस अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच